गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द अनदर न्यू ब्लॉग। एंड मैं अभी आया हुआ था अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, और वहाँ पे वर्क अभी तो स्टार्ट किया है इन्होंने करना, तो अभी तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। बट अभी मैं निकल रहा हूँ कॉलेज के लिए, यहाँ से सीधा एक बार सुबह का यहाँ का टूर जरूर रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्क हो रहा है एक बार देख करके चला जाता हूँ, फिर वापस आएंगे दिन में और फिर शाम को एक बार विजिट करने। तो तीन बार तो एटलीस्ट मैं आता ही हूँ दिन में, और अभी मैं निकल रहा हूँ कॉलेज के लिए। अभी आ गया था मैं कॉलेज, और अब जा रहा हूँ डिपार्टमेंट की तरफ। अभी सुबह एक न्यूरल नेटवर्क्स की लैब लेनी थी फाइनल ईयर वालों की, तो वो लैब लेंगे, और उसके बाद एक कंटिन्यूअस में क्लास थी। यहाँ से ये शॉर्टकट है, तो यहीं से डायरेक्ट चले जाते हैं ऊपर। अभी टाइम हो रहा था 1:15, और मैं कॉलेज से निकल रहा हूँ। थोड़ा लेट हो गया था कॉलेज में ही, क्योंकि काफी सारे बच्चे फाइल्स वगैरह चेक कराने के लिए आ गए थे, और मेरे को कुछ एडमिट कार्ड्स की प्रिंट भी लेनी थी आप किए, तो प्रिंट निकालने लग गया। कॉलेज से निकला था और अब आ गया हूँ एक ऐसी जगह जो कि सबसे उदयपुर की एक काफ़ी फेवरेट टूरिज्म स्पॉट है, और अगर कोई उदयपुर आता है और यहाँ पे नहीं आता है तो एक तरीके से उसका उदयपुर विजिट ही एक तरीके से अधूरा समझा जाता है। आपको दिखाता हूँ मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, आपको कैमरे की नज़र से दिखाते हैं किस जगह की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एफएस की, मतलब फतेह सागर लेक। ये सबसे एक तरीके से ब्यूटीफुल लेक है उदयपुर की, और बोटिंग वगैरह की फैसिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मतलब बोटिंग आप कर सकते हो अगर बोटिंग करना चाहते हो इस लेक के अंदर। तो बाकी जैसे कि पिछोला है, पिछोला में भी आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पे भी। और आप इसके सेंटर में देखिए, सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट जो है यहाँ का है कि इसके सेंटर में एक नेहरू पार्क बना हुआ है, जो कि आप बोट के थ्रू वहां पे जा सकते हो और वो पूरा आप विजिट कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट पार्ट है। और ये पर एक गार्डन्स वगैरह है, और यहाँ पे साथ में फतेह सागर पे ही ये कुछ जो उदयपुर के फेमस, मतलब हम बोल सकते हैं कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के जो फेमस जो टूरिज्म स्पॉट्स है उनके बारे में भी बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप सामने, जो मैं आपको पास में ले जा करके बताता हूँ, ये देखिए आप, जैसे कि ये देलवाड़ा के अंदर जो जैन टेम्पल्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है। तो देलवाड़ा के अंदर अगर आप उदयपुर आते हैं तो कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट आप घूम सकते हैं वो सारा यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये नेक्स्ट बता रखा है जैसमंद झील, जो कि काफी फेमस झील है उदयपुर की, उसके बारे में दिखा रखा है। नेक्स्ट जो बता रखा है ये दूध तलाई भी यहाँ पे है। ये पिछोला और दूध तलाई आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको रोपवे वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है, जिससे कि एक वहां पे करणी माता का मंदिर है वो आप विजिट कर सकते हो, रोपवे के थ्रू वहां पे जा सकते हो। नेक्स्ट जो मेवाड़, जो पूरे मेवाड़ की हम बात करते हैं, उसमें चित्तौड़गढ़ भी आता है। जो मेवाड़ के राजघराने के लोग चित्तौड़ में रहते थे, फिर उदय सिंह जी ने उदयपुर शहर बसाया, और उसके बाद उदयपुर को एक तरीके से मेवाड़ की राजधानी बना दी गई। तो पहले, उससे पहले राजधानी जो है वो चित्तौड़ ही हुआ करती थी। तो चित्तौड़ का किला भी मेवाड़ का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके बाद राजसमंद लेक, जो कि महाराणा राज सिंह जी ने बनवाई थी, और काफी बड़ी लेक है, और राजसमंद में ये बनी हुई है लेक। से उदयपुर के जितने भी सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं बारे में यहाँ पे आया हुआ है। और अगर आप संडे के दिन यहाँ पे, अभी मैं दिन के समय आया हूँ तो यहाँ पे पाल के आसपास लोग नहीं दिख रहे हैं, बाकी संडे को आप ये समझ लीजिए कि उदयपुर का सबसे एक तरीके से फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है, और यहीं पे मोस्ट ऑफ द लोग घूमने के लिए आया करते हैं। तो संडे के दिन तो यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पाती है लोगों को, बैठने की भी यहाँ पे जगह नहीं मिल पाती है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है संडे को। पुरानी यादें यहाँ पे रुक करके अभी ताजा हो गई। पहले भी जब कॉलेज पढ़ा करते थे तो जब मैं कॉलेज से मेरे घर की तरफ जाता हूँ तो रस्ते में ही फतेह सागर लेक पड़ती है, तो मैंने पहले जब कॉलेज में पढ़ते थे तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाया करता था कॉलेज से जब घर की तरफ जा रहे होते। तो अभी भी मैंने थोड़ा जल्दी वहां से फ्री हो गया था कॉलेज से, तो मैंने थोड़ा सोचा कि यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और अब यहाँ, और उसके बाद घर पे निकलेंगे। Oh.
अभी मैं था अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो यहाँ पे देखिए ये 500 फीट के प्लॉट्स हैं, क्योंकि 500 फीट के प्लॉट्स के अंदर भी कितने अच्छे से मकान बन सकता है। मतलब जब मैंने भी ये प्लॉट जो खरीदा था, मेरे जो इस प्लॉट की साइज है वो है 900 स्क्वायर फीट, और 900 स्क्वायर फीट में भी मेरे को जब केवल प्लॉट को देखते थे, अब आप देखिए ये सामने 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो ये दिखने में काफी ज्यादा छोटा लगता है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप केवल प्लॉट को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इतने छोटे से प्लॉट में क्या बन सकता है, पर आप जब इस पे बना हुआ मकान देखोगे तो काफी अच्छे से, अगर इसको सही से अगर आप नक्शा जो है वो अगर आप अच्छे से बनवा रहे हो तो काफी अच्छे से इसमें मकान आप बना सकते हो। और ये देखिए 500 स्क्वायर फीट कितना ज्यादा कम होता है, मतलब, और उसमें भी अगर आप मकान अगर अच्छे से बनाया हुआ है तो आप देखिए कितना अच्छे से मकान बना हुआ है। तो ये सारा एक अपने नक्शे पे डिपेंड करता है कि हम जो स्पेस है उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो 500 स्क्वायर फीट, ये इधर से जितने भी आप मकान देख रहे हैं इस लाइन वाले, ये जो लाइन जो है इस लाइन में आपको जितने भी मकान दिख रहे हैं वो सारे 500 स्क्वायर फीट में बने हुए हैं, और ये जो प्लॉट्स हैं और ये जो मकान बने हुए हैं, जो हमारा भी बना हुआ है और साथ में हुआ है, ये भी 900 स्क्वायर फीट के अंदर है। कहने का मतलब मेरा मेनली आपको ये समझाना चाह रहा था कि एक्चुअली जो काफी कम प्लॉट साइज के अंदर भी अगर अपन अच्छे से उसको डिजाइन करें तो काफी बनाया जा सकता है। तो अभी मैं आ गया हूँ घर पे, और बीच में मैं रुका था तो कुछ वेफर्स वगैरह लेकर के आ गया था। कभी फ्री टाइम पे ऐसे ही बैठे होते हैं, टीवी वगैरह देख रहे होते हैं या मोबाइल चला रहे होते हैं, तो कुछ खाने को जरूर चाहिए होता है। तो अभी आया हुआ था मैं बाहर, और कुछ खाने के लिए पैक करवाने, तो अभी मैंने मंचूरियन पैक करवा लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ घर के लिए, तो क्योंकि आज दो दिन हो गए थे घर का ही खाने खा रहे थे, तो मेरे को थोड़ा मूड हो रहा था कि कुछ बाहर का खाते हैं, तो अभी मैं बाहर आया था पैक करवाने और ये पैक करवा लिया है अपना मंचूरियन। तो अब अपना गर्मा गर्म मंचूरियन आ चुका है, तो अब मंचूरियन टेस्ट करते हैं। मंचूरियन को देख करके भूख इतनी बढ़ चुकी है ना, तो अब रुका नहीं जा रहा है, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।